दोस्तों, जहन के जायके को जगाने का वक्त आ गया है। आज लेके आए हैं हैदराबादी बिरयानी की शाही सफर, वो खुशबूदार तोहफे का तूफान जिसके हर दाने में जायके का नशा छिपा है। चलो बनाते हैं 1 किलो चावल वाली ऐसी बिरयानी जो बादशाहों का भी दिल जीत ले। सामग्री: चावल के लिए 1 किलो बासमती चावल धोकर आधा घंटा भिगोया हुआ, 6-8 लौंग, 3-4 काली इलायची, 2 स्टार एनीस, 1 दाल चीनी की स्टिक, 2 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 कप घी या वनस्पति तेल, पीला खाद्य रंग वैकल्पिक, केसर के रेशे वैकल्पिक, कटी हरी धनिया पत्तियां वैकल्पिक। मांस के लिए चिकन या मटन, 500 ग्राम चिकन या मटन मध्यम टुकड़ों में कटे हुए, 1/2 कप दही, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। प्याज के लिए 3-4 बड़े प्याज पतले स्लाइस में कटे हुए, 1/2 कप घी या वनस्पति तेल, स्वादानुसार नमक। विधि: मांस का मैरिनेशन, 1 बाउल में दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और नमक को मिलाएं। चिकन या मटन के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ढककर कम से कम 30 मिनट या बेहतर रात भर के लिए मैरिनेट होने दें। चावल पकाएं, भीगे हुए चावल को निकालकर रख दें। 1 बड़े बर्तन में घी या तेल गरम करें, लौंग, काली इलायची, स्टार एनीस, दालचीनी की स्टिक और तेजपत्ता डालें। कुछ सेकंड तक भूनें। चावल और नमक डालें। चावल को मसालों के साथ हल्के से मिलाएं। इतना पानी डालें कि चावल 1 इंच तक डूब जाए। उबाल लें, फिर आंच कम करें और 5-7 मिनट तक पकाएं या जब तक चावल 80% पक न जाए। चावल को निथार कर अलग रख दें। प्याज भूनें, एक अलग पैन में घी या तेल गरम करें। कटी हुई प्याज डालें और सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक भूनें। निकाल कर अलग रख दें। बिरयानी को मिलाएं, 1 बड़े बर्तन में तले में तले हुए प्याज की 1 परत फैलाएं। उस पर आधे पके हुए चावल की परत डालें। मसालेदार मांस के टुकड़ों को समान परत में डालें। बचे हुए चावल और प्याज के साथ ऊपर से ढक दें। पीला खाद्य रंग और केसर के रेशे यदि उपयोग कर रहे हैं छिड़कें। बर्तन को फॉइल या टाइट फिटिंग ढक्कन से अच्छे से बंद कर दें। दम पकाना: बर्तन को धीमी आंच पर रखें और 20-25 मिनट तक पकाएं या जब तक चावल पूरी तरह से पक न जाए और जायके मिल न जाए। परोसें: परोसने से पहले बिरयानी को हल्के से फ्लफ करें। चॉप कोरिएंडर लीव से गार्निश करें अगर पसंद हो। अपने हैदराबादी बिरयानी दावत का आनंद लें। टिप्स: बेहतरीन नतीजों के लिए अच्छी किस्म की बासमती चावल का इस्तेमाल करें। आप अपनी पसंद के हिसाब से मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप गुलाब जल की कुछ बूंदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाकाहारी संस्करण के लिए मांस को आलू, मटर और गाजर जैसी पकी सब्जियों से बदलें। यह रेसिपी आसानी से ज्यादा या कम लोगों के लिए बढ़ाई या घटा जा सकती है। हैदराबादी बिरयानी प्यार का लजीज इनाम है जो जरूर पसंद आएगा। तो अपनी सामग्री इकट्ठा करें, अपना एप्रॉन पहनें और एक पाक कला का खजाना बनाने के लिए तैयार हो जाएं। बेशक अगर आप डाइट से परहेज करते हैं तो बिरयानी को ज्यादा खाने से बचें, लेकिन स्वाद का आनंद जरूर उठाएं।